गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट अ राइड और समथिंग, और नॉट आई एम नॉट टेकिंग यू टू यू नो टूरिज्म डेस्टिनेशन और समथिंग। क्या है कि मैंने अपनी जो गाड़ी है वो गाड़ी यानी ख्वाहिश कावासाकी बस 6000 वो सिरेम कोटिंग के लिए मैं देख आया हूँ, डिटेलिंग के लिए। क्या था, अगर आपको याद होगा मैंने पिछले किसी वीडियो में डाला था कि मैं यहाँ पर जहाँ रहता हूँ शिलोंग में, वहाँ पर रैट मैनेंस बहुत है, और लास्ट ईयर मैं एक महीने की छुट्टी गया था तो गाड़ी कवर करके गया था तो चूहों ने बहुत धुमाकुल किया था, उनकी जो पॉटी सुसू उसकी वजह से काफ़ी मेरा जो टैंक का पेंट सरफेस था उसमें मुझे ना थोड़ा सा पिटिंग जैसा लगा, एंड आई डेंट वॉन्ट दैट, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। उसको क्या करें, नई गाड़ी है, मतलब नहीं दो साल तो हो ही गए, डेढ़ साल हो गए इनफैक्ट, और है प्यारी। तो गुवाहाटी में एक डिटेलिंग बुल्स करके था, एक दिन मैं गुवाहाटी गया था तो मैं उनके पास लेके गया गाड़ी को, उनसे पूछा भाई क्या क्या कर सकते हैं इसका, तो ना कोई बात नहीं सर, ये हो जाएगा ठीक, इसका हम सिरेमिक कोटिंग कर देंगे, तो उसके प्रोसेस में ये पिटिंग विटिंग जो भी है या जो भी आपको रफ सरफेस दिख रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, पैसे कितना लोगे, तो कहते सर हम 9H की कोटिंग करते हैं और आपकी बाइक का करीबन 7000 रुपये लेंगे। हाँ ठीक है कर दो, तो कहते नहीं सर आपको बाइक छोड़ के जानी पड़ेगी और कम से कम 24 घंटे लगता है इनका क्योरिंग टाइम, मतलब पूरा प्रोसेस होने में। अरे यार गुवाहाटी में गाड़ी छोड़ना तो रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे, उस दिन तो मैंने किया नहीं था, तो इसलिए ओके ठीक है मैं बाद में आपको प्लान करके बताता हूँ। ना उस कॉन्टेम्पलेटिंग की कब जाना है, क्योंकि अगर करानी गुवाहाटी में तो एक दिन जाना है वहाँ पे 110 से 112 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से, देन वहाँ जाओ उनको गाड़ी दो और वहाँ से फिर कहीं अपने रहने का बंदोबस्त करो एंड नेक्स्ट गाड़ी लेके वापस आओ। मैंने टोटल घाट रोड 80-85 किलोमीटर का घाट रोड है, तो मतलब ओवरऑल जो कॉस्टिंग आ रही थी मेरे करीबन 12000 के आसपास आ रही थी। ठीक है बहुत है, चलो लेट्स सी। फाइनली यहाँ पे मुझे एक बार, मैं मतलब ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था तो एक यूनिट देखा जो कार डिटेलिंग वगैरह करता था, सो आई हैड अ वर्ड विद देम, कार कोजी करके शिलोंग में उनका ओनर है फ्रैंकी, सो आई हैड अ व्हाट्सएप चैट करते हैं, तो ये सर कि हाँ सर हम कर देंगे नॉट एन इश्यू, आप यहाँ ले आइए। ठीक है कोई बात नहीं, तो कहते सर सिरा में कोटिंग हमारे यहाँ 4000 रुपये से स्टार्ट है 9H की, एंड इट गोज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोडक्ट यू आर टेकिंग। ठीक है, तो मैं परसों ये गया, मतलब फ्राइडे को ये गाड़ी मैं लेके गया था कार से। तो इनके दो पार्टनर्स, एक मिस्टर फ्रैंकी है और दूसरी मिस लल्ला है, तो मिस्टर फ्रैंकी से तो मेरी बात हो नहीं पाई, आई डिडंट मीट हिम इन पर्सन, बट मिस लल्ला थी एंड बॉय शी हैड सो गुड नॉलेज अबाउट ऑटोमोबाइल्स एंड उसका जो बेसिकली कोटिंग एंड स्पॉट ट्रीटमेंट एंड डिटेलिंग का, आई वॉज इम्प्रेस्ड, एंड शी इज़ नॉट एन इंजीनियरिंग और यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, शी इज़ अ मास्टर्स इन मेडिकल साइकेट्री, मतलब फील्ड डॉक्टरी की और कार कर रही है ऑटोमोबाइल की, वहाँ ठीक है गुड, तो शी हैड गुड नॉलेज। तो फिर वहाँ पे बात हुई तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ गए पास, मोटोग्लांस का जो जर्मनी की कंपनी है, एक हाइड्रक्स कंपनी है जो इंडियन कंपनी है एंड विच इज़ एज ऑफ नाउ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर सिरेमिक कोटिंग इन इंडिया, और ये एंट लैब मुंबई की कोई फर्म है वो बनाती है, एंड दे हैव 9H 10H बोथ एंड इंक्लूडिंग ग्राफिन कोटिंग ऑल्सो, तो उसमें काफ़ी वो हैं बेसिकली लॉन्जिटिविटी पे इनकी कॉस्ट बढ़ते जाते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम 4000, मतलब मेरी बाइक की बात कर रहा हूँ, मेरी बड़ी बाइक भी बड़ी है, तो 4000 से लेके 10000 रुपये तक का इनका कॉस्टिंग है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब पूरा स्पा ऑफ द बाइक, स्टीम वॉश, डिकॉन्टेमिनेशन वॉश, पेंट करेक्शन, फोम वॉश, पॉलिशिंग, सिरेमिक कोटिंग, एवरीथिंग। सो आई डिसाइडेड टू गो इन फॉर अ 10H सिरेमिक कोटिंग, गाड़ी में छोड़ के आया हूँ और आज मैं लेने जाऊँगा, परसों छोड़ गया था आज लेने जा रहा हूँ।
उसके बाद मैंने अपनी जो लीनिया है वो भी रीपेंट कराई है रिसेंटली, 11 साल पुरानी है, 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो यहीं लोकली मैंने शिलोंग में करवाई थी। तो उसकी हम ऑक्टा कोटिंग की बात करके आते हैं। सो ऑक्टा कोटिंग में जैसे दिल चार्ज सब 5,000 बक्स विच इंक्लूड्स की डिकॉन्टामिनेशन वॉश, इंटरनल वैक्यूमिंग, क्लीनिंग, डैशबोर्ड पॉलिश, विनाइल पॉलिश, स्टीम वॉश, फोम वॉश, स्टीम वॉश एंड पॉलिशिंग एंड ऑक्टा कोटिंग। इसका अगर मुझे सिरामिक करना है तो दैट विल कॉस्ट मी समवेयर बिटवीन 17,000 to 20,000। तो डिसीजन लेना है कि इसका सिरामिक किया जाए या ऑक्टा कोटिंग किया जाए। तो लेट्स सी, सिरामिक इज 9H बाय द वे एंड दी इसकी लॉन्जिटिविटी 1 to 2 years है। वो जो मैंने बाइक में कराई है उसकी लॉन्जिटिविटी जो कहते हैं, जो क्लेम करते हैं, दैट इज 7 to 8 years। 5 साल भी देखिएगा तो बहुत है। तो जो यूनिट है वो यहाँ से करीबन 13 किलोमीटर है। तो मैं लीना लेके जाऊँगा, थोड़ी बारिश हो रही है बाहर, रुकते हैं फिर निकलते हैं और एक छोटा सा वीडियो वहाँ पे ही बना लेंगे। मैंने वैसे उनको कहा था कि जब आप कार, मेरी बाइक जब फोम वॉश कर रहे हो, स्टीम वॉश कर रहे हो या पॉलिशिंग कर रहे हो तो थोड़े थोड़े वीडियो क्लिप्स निकाल के रख लेना, आई कैन बी प्रेजेंट देयर। अगर उन्होंने निकाले हैं, अगर वो मुझे देते हैं तो मैं इस वीडियो में एम्बेड कर दूंगा, सो दैट यू कैन सी कि प्रोसेस कैसे होता है। बाकी जो डिटेल्स है, सिरामिक कोटिंग क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या करता है, ग्राफिन कोटिंग क्या होती है, सो दैट आई विल यू नो लीव इट टू मिस लल्ला। तो उससे मैंने बात करी थी कि एक छोटा सा उनके साथ गपशप की जाऊँ की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा मैं। अनफॉर्चुनेटली वो आज है नहीं, सो प्रॉब्ली जब मैं कार लेने जाऊँगा तब उनके साथ ही गप्पे मारेंगे। तो अभी दे मिलते हैं सीधा कार कोजी पे, तब तक के लिए ये जो रोड है ये शिव से गुवाहाटी जाती है, आप देख सकते हो ट्रैफिक काफ़ी है और हम पहुंच गए हैं कोजी कार्स, ये स्पा वाला जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी दी है। दिस इज कोजी कार, एवरी कार नीड्स अ स्पा। इनके सर्विसेज है कार स्पा, रैपिंग, ओजोन ट्रीटमेंट, नैनो सिरेमिक कोटिंग और यहाँ पे इनका ऑर्डर लगा हुआ है। इंस्टा स्टीम वॉश, इंटेंसिव इंटरनल क्लीनिंग, प्लैटिनम वॉश, इंस्टा स्टीम वॉश, पेंट प्रोटेक्शन ऑक्टाकोट, पेंट प्रोटेक्शन विथ ऑक्टाकोट, ये जो हम करेंगे अपनी कार में, और फिर सोलटर सिरेमिक कार कोटिंग और बाकी एसी सैनिटाइजेशन, हेडलाइट डिस्ट्रिक्शन, विंडशील्ड, वेदर कंडीशनिंग, इंजन डिग्रीसिंग एंड कोटिंग, अलॉ डिस्केलिंग एंड टायर ट्रीटमेंट, काफ़ी कुछ है। यहाँ पे हमने अपनी बाइक दी थी, ये अपनी लीनिया खड़ी है और ये है अपनी बाइक, चमक रही है। फाइनल टचेस हो रहे हैं, ठीक है। ये कार के पैनियंस, अब सॉरी बाइक के पैनियंस, इसको भी सिरेमिक कोटिंग हुई है। ये इनका वॉशिंग भी सब कुछ है, पॉलिशिंग वॉशिंग भी। ये अपनी लीनिया खड़ी है, ये कल से स्टार्ट करेंगे, आज संडे तो आज मेरी छुट्टी होती है। वेरियस मशीन्स कंज्यूमेबल्स एवरीथिंग इज केप्ट हियर। अभी इनका ऑफिस है, आज छुट्टी है तो कोई है नहीं। और ये जो लेते हैं पेमेंट, या तो कैश लेते हैं या तो गूगल पे लेते हैं, कार्ड्स आर नॉट देयर।
ओके हमारी बाइक का हो चुका है काम और अब हम निकल रहे हैं। कार हमने रख दी है, इसलिए इसकी कार वॉश आप एक हफ्ते के बाद ही कीजिए। अभी सबसे पहले तो मुझे गाड़ी को अंदर करना पड़ेगा।